हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी इन द वर्ल्ड। इंडियन आर्मी आज के समय दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है। वेल देखो, ये होना था, लोग एंटिसिपेट कर रहे थे इसको 2019 से, क्योंकि चाइना बहुत ही तेज़ी से अपनी आर्मी का साइज कट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी तरक्की नहीं हुई है, चाइना ने यहाँ पर काफ़ी हद तक कुछ चेंजेस किए हैं, उसके रिजल्ट में बाय डिफ़ॉल्ट हमारी आर्मी दुनिया की लार्जेस्ट बन चुकी है। रिसेंटली इसको कन्फर्म किया था जापान ने। जापान का हर साल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है, एक रिपोर्ट आती है, इसका नाम है डिफेंस ऑफ जापान। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसमें ये दुनिया भर की मिलिट्रीज और जो आर्मीज़ हैं, जो उनकी कैपेबिलिटी है, जो उस कंट्री की स्ट्रेंथ है, उसको बताते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ऑफिशियली ये बता दिया है कि इंडियन आर्मी राइट नाउ अकॉर्डिंग टू देम इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और इन द कमिंग ईयर्स आप नोटिस करोगे, जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके अलावा वेरियस और यूएस के थिंक टैंक्स हैं, उनकी भी जो रिपोर्ट्स आएगी वहाँ पर भी वो लिखेंगे दुनिया की लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी अब पीपल्स लिबरेशन आर्मी नहीं है, इट इज़ द इंडियन आर्मी। इवन विकिपीडिया में लोगों ने अपग्रेडेशन जो है चेंजेस करनी स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पे आप देखोगे इंडियन आर्मी का जो पेज है विकिपीडिया पे, यहाँ पे साफ साफ इन्होंने मेंशन कर दिया है इट इज़ द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये न्यूज़ इंडिया के लिए अच्छी है, क्या हमको यहाँ पर खुश होना चाहिए या फिर हमको सीखना चाहिए फ्रॉम चाइना। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, स्टडी आई क्यू को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन। इसके अलावा मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पर सर्च करो धवन सर, और इस टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर लो। अब देखो, हमको जो ताज मिला है लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी इन द वर्ल्ड का, ये हमारी तरक्की नहीं है, हमने अपना डिफेंस बजट ज़रा बढ़ाया नहीं है, ना ज़रा रिक्रूटमेंट करी है। ये एक्चुअली रीज़न है बिकॉज ऑफ चाइनीज डाउनसाइजिंग। चाइना ने 2015 में ये अनाउंस कर दिया था, एक्चुअली उनके प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया था कि चाइना अपनी जो आर्मी है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये कट डाउन करेगा ताकि चाइना की ओवरऑल मिलिट्री स्ट्रांग हो पाए। जो वर्ड्स है ध्यान देना, मिलिट्री में सब आती हैं, नेवी, एयरफोर्स, इसके अलावा इनकी जो आर्मी के और डिविजन्स हैं, साइबर वॉरफेयर की डिवीजन है, उसके अलावा रॉकेट्स के लिए अलग से डिवीजन है। तो जो ये सारी डिवीजन्स हैं इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने प्लान ये बनाया कि अपनी आर्मी को ये कट करेंगे। और फिर 2015 से लेकर 2019 तक इन्होंने इसमें काफ़ी तरक्की करी। और 2019 में आपको याद होगा ऐसे आर्टिकल्स बहुत सारे आए थे, द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, चाइना रिड्यूसेस आर्मी बाय हाफ इंक्रीजेस साइज ऑफ नेवी एयरफोर्स इन अ बिग वे। तो ओवरऑल अगर हम मिलिट्री की बात करें तो चाइना अभी भी हमसे आगे है, मगर आर्मी की अगर हम बात करें तो उसमें इंडिया बाय डिफॉल्ट चाइना से आगे निकल चुका है। नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि चाइना ये सब करेगा कि उनके लॉन्ग टर्म यहाँ पर गोल्स क्या हैं। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इंडियन आर्मी चीफ की लेटेस्ट स्टेटमेंट। हमारे जो इंडियन आर्मी के चीफ हैं, इन्होंने रिसेंटली ये कहा था कि टैंक्स फाइटर्स ये ऑब्सोलीट हो जाएंगे, इनकी कोई आवश्यकता रहेगी नहीं। जिस तरीके से आज के समय वॉकमैन का स्टेटस, आपको याद होगा 1980s 1990s में लोग वॉकमैन बहुत यूज़ करते थे, लोगों को गाने सुनने होते थे उसमें, आज के टाइम में आपके पास फ़ोन्स हैं, वेरियस और डिवाइसेस हैं, तो जो इम्पोर्टेंस आज के समय वॉकमैन की है इन एन एवरीडे लाइफ, वैसी इंपॉर्टेंस टैंक्स और फाइटर्स की हो जाएगी इन द कमिंग ईयर्स। क्योंकि जो मॉडर्न वॉरफेयर है ये बहुत हद तक बदल चुकी है। लास्ट टाइम दुनिया ने एक मेजर टैंक वॉरफेयर देखी थी 1973 में ड्यूरिंग द अरब इजरायली वॉर इन द गोलन हाइट्स। उसके बाद से टैंक्स का इतना यूज हुआ नहीं है, लार्ज आर्मी का इतना यूज हुआ नहीं है। आज के समय जो कंट्रीज हैं लाइक यूएस, इवन जापान और वेरियस और जो कंट्रीज हैं, वो फोकस कर रही हैं क्वालिटी पे रैदर देन क्वांटिटी, मतलब कि संख्या एक बार को कम भी हो मगर आपकी मिलिट्री एफिशिएंट होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। जो उनके पास वेपन्स हैं दे शुड बी अपग्रेडेड। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास रोबस्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होना चाहिए। आपको अगर अपनी आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो वो जो प्रोसेस है दैट शुड बी लाइटनिंग फास्ट। तो चाइना ने भी अपनी आर्मी के लिए इसी अप्रोच को अपनाया है। चाइना ये मानता है कि अपनी आर्मी की अगर वो अपग्रेडेशन करे, मतलब कि अपनी आर्मी की ट्रेनिंग बेटर हो, उनको बेहतर वेपन्स मिले, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर हो, तो उनको दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी की आवश्यकता नहीं है। वो आर्मी अपनी आधी भी कर दें तो भी वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। नाउ अगर मैं बात करूँ ट्रांसपोर्टेशन की, तो चाइना का आप अगर मैप देखो तो पिछले 10 से लेकर 15 साल में कहूँगा, इन्होंने अपना जो रेल नेटवर्क है बहुत ही तेज़ी से फैलाया है। यहाँ पे आप अगर देखो तो इनकी जो हाई स्पीड रेल्स हैं ये हर जगह पहुँच चुकी है, फ्रॉम देयर वेस्टर्न पार्ट टू ईस्टर्न पार्ट, और पूरा देश आज के समय बुलेट ट्रेन से कनेक्टेड है। इससे इनको फायदा ये होता है कि कल को
इनको कोई ट्रांसपोर्ट, कोई आर्टिलरी, कोई सोल्जर्स को अगर पहुंचाना हो कहीं पर, कुछ मूव करना हो, तो दे कैन डू दैट इजीली। इस सब के अलावा चाइना के पास आज के समय बहुत सारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जिसकी मदद से वो बहुत ही आसानी से अपने सोल्जर्स को जापान बॉर्डर से लेकर इंडियन बॉर्डर, इंडियन बॉर्डर से लेकर साउथ चाइना सी, कहीं भी मूव कर सकते हैं इन द मैटर ऑफ आवर्स। चाइना के पास आज के समय बोइंग 737 है, उसके अलावा वेरियस और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, और इस सब के अलावा चाइना एक खुद का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो दुनिया का लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होगा, जिसका नाम है Y-20 चबी गर्ल। ये C-17 जो इंडिया के पास है, जो हमने US से खरीदा है, इससे भी काफी ज्यादा बड़ा होगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल्स भी लिखे जा रहे हैं, चाइनाज न्यू Y-20 इज द लार्जेस्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट करंटली इन प्रोडक्शन। ये इसकी फोटो है यहाँ पर। सो ये सब जो फैक्टर्स हैं, इसकी वजह से चाइना ये मान के चल रहा है कि अगर उनकी आर्मी साइज में छोटी भी हो, मगर सिंस उनके पास वेपन्स बेहतर हैं, ट्रेनिंग बेहतर है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बेहतर है, तो उनका जो इम्पैक्ट है वो एक्चुअली एक बड़ी आर्मी से भी ज़्यादा होगा। अब चाइना जो ये डाउनसाइजिंग कर रहा है, इससे एडेड एडवांटेजेस क्या मिलते हैं, ये एडवांटेजेस आपके सामने हैं। चाइना अब अपना डिफेंस बजट ज़्यादा फोकस कर सकता है एयरफोर्स और नेवी पर, जो मैं कहूँगा मॉडर्न वॉरफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स का मैं कहूँगा सेंट्रल रोल है आज के टाइम में इन मॉडर्न वॉरफेयर, और ये एक ऐसा एस्पेक्ट है एयरफोर्स और नेवी जिसमें इंडिया स्ट्रगल कर रहा है। हम अपनी एयरफोर्स और नेवी को तेजी से मॉडर्नाइज नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स। आप अगर टोटल डिफेंस बजट को देखो, तो रिसेंट जो हमारा टोटल कंट्री का बजट था, उसमें हमने खर्चे हैं 30,42,000 करोड़ रुपीस। इस अमाउंट में से जो हमारा डिफेंस बजट है वो है करीब 4,71,000 करोड़ रुपीस, मतलब के डॉलर्स में आप कह सकते हैं $65 बिलियन। अब ये जो आपके सामने अमाउंट है 4,71,000 करोड़ रुपीस का, इसको आप अगर कंपेयर करो चाइनीज डिफेंस बजट से, तो वो हमसे काफी आगे हैं। उनका डिफेंस बजट है $177 बिलियन कंपेयर टू इंडिया $65 बिलियन। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि दोनों कंट्रीज खर्चती कैसे है अपने डिफेंस बजट को। तो देखो, इंडिया में एक मेजर इशू ये है कि हमारी आर्मी इतनी बड़ी है कि उनकी पेंशन और उनकी सैलरी में ही बहुत सारा हमारा डिफेंस बजट निकल जाता है। यहाँ पे आप देख पाओगे जो अमाउंट है हमारा टोटल 4.71 लाख करोड़ रुपीस, इसमें से जो पेंशन हमने पे करी है इस साल रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स और सोल्जर्स को, उसका नंबर है 1,33,000 करोड़ रुपीस। तो मतलब कि हम यहाँ पे एक्चुअली में बात कर रहे हैं 3,37,000 करोड़ रुपीस की। अब देखो इस अमाउंट को भी हम कैसे यूज कर रहे हैं, ये जो अमाउंट है इसमें से 2,18,000 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है ये निकल जाता है करंट सैलरीज में, जो अभी जो हमारे पर्सनल हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो पर्सनल हैं उनकी सैलरीज पे करनी है, जो आपके पास टैंक्स हैं, जो आपके पास अभी इक्विपमेंट है उसकी आपको मेंटेनेंस करनी है, उस समय आपका निकल जाता है। फिर आपके पास बचता है सिर्फ 1,18,000 करोड़ रुपीस। इस अमाउंट में आपको अपनी आर्मी नेवी और एयरफोर्स मॉडर्नाइज करनी है, जो पॉसिबल है नहीं। इसकी वजह से आप देख रहे हो कि इंडियन मिलिट्री ओवरऑल मॉडर्नाइज नहीं कर पा रही। हम प्लान्स बनाते हैं, बातचीत करते हैं, बट जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें ज्यादा प्रोग्रेस हम देख नहीं रहे। नाउ इंडिया ने चाइना की तरह कुछ स्टेप्स लेने स्टार्ट किए हैं। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली न्यूज आई थी फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया कि आर्मी जो नॉन कोर यूनिट्स है उसमें से 27,000 जो पोस्ट हैं इसको ट्रिम करेगी। तो मतलब कि इसमें हम कुछ पैसे बचाएंगे। यहाँ पे आप अगर देखो टोटल जो मैन पावर है हमारी इंडियन मिलिट्री की वो है करीब 12,50,000, इसमें से 1.75 लाख रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी में नहीं है। सो इसमें हम कट कर रहे हैं 27,000, जिससे हमको सालाना सेविंग होगी 1,600 करोड़ रुपए की। तो ये एक शुरुआत है, बट इवेंचुअली इंडिया को भी अगर मॉडर्नाइज करना है तो कहीं ना कहीं अपनी आर्मी की कुछ हद तक डाउन साइजिंग करनी होगी, और साथ ही साथ जो रोड और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी इम्प्रूव करना होगा। ओनली देन वी कैन कीप अप विद चाइना। सो ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।